लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो को शुरुआत करने से पहले यानी 1.5 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें क्या सीखना होगा, 1.5 एक्सरसाइज का कंसेप्ट सीखना होगा, उसकी गहराई सीखनी होगी, क्वेश्चनों की कितनी गहराई तक हमारे क्वेश्चन तैर सकते हैं। मतलब ये है कि आज की 1.5 एक्सरसाइज का कंसेप्ट होगा हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन के ऊपर, कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन आखिर होते क्या है, मतलब किस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कह सकते हैं। अगर इन्वर्टिबल का दूसरा मतलब ये होता है कि किस फंक्शन का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये पूरी की पूरी वीडियो जुड़ी हुई है सेकंड चैप्टर से, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, कि हम ये देखेंगे अगले चैप्टर में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल है क्या या नहीं, मतलब उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो फंक्शन हमारे पास 1:1 भी हो और 1:2 भी हो। मतलब जिन फंक्शनों को हम 1.4 एक्सरसाइज में सीखा था, जो फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो, बाइजेक्टिव कौन से, जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव यानी 1:1 और 1:2 दोनों होते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिनको हम बाइजेक्टिव या 1:1, 1:2 बोलते हैं, उन्हीं फंक्शनों को नाम दिया जाता है इन्वर्टिबल फंक्शन। और एक ऐसा फंक्शन जो 1:1 भी हो 1:2 भी हो, उस फंक्शन को हम नाम देते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, और उसी फंक्शन का हमारे पास निकलता है इनवर्स। तो जो जिस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता हो, उसका मतलब ये है वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। और इन्वर्टिबल फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि वो 1:1 और 1:2 में से कोई सी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो इन्वर्टिबल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो 1:1 की कंडीशन को भी फॉलो करता हो, 1:2 की कंडीशन को भी फॉलो करता हो, यानी वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो, और बाइजेक्टिव फंक्शन इक्वल टू होता है हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन के। तो अब इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे 1.5 के, और देखेंगे कि किस तरह हम उनको इन्वर्टिबल प्रूव करते हैं और किस तरह उन इन्वर्टिबल फंक्शन का हम इनवर्स निकालते हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की। जैसा कि आप सबको पता है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा और उनका सॉल्यूशन मैं आपको समझाता रहूंगा। जैसे आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1.5 एक्सरसाइज का, लेट एस इज इक्वल टू 1, 2, 3। हमारे पास एक एस सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट कौन कौन से, हमारे पास एलिमेंट है जिसमें 1, 2 और 3। एस सेट गिवन है जिसका एलिमेंट है हमारे पास 1, 2 और 3। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f s टू s, क्या कह रहा है कि एक फंक्शन बना दिया जो क्या कह रहा है s टू s चल रहा है, मतलब s में से ही उसकी डोमेन होगी, s में से ही उसकी क्या होगी, रेंज होगी। एक फंक्शन बनाया, डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, फाइंड f इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। क्या कह रहा है कि हमारे पास पार्ट बनाए हुए हैं इन्होंने, जैसे पहला पार्ट है f इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये हमारा क्या दे दिया, इसने पहला पार्ट दे दिया। सेकंड पार्ट में इसने फंक्शन बना दिया f इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1, 3, 1। और थर्ड पार्ट में इसने फंक्शन बना दिया हमारे पास f इज इक्वल टू 1, 3, 3, 2 और 2, 1। ये कह रहा है कि इन तीनों पार्टों में से कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकते हैं, और अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है वो, तो उसका इनवर्स हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो चलते हैं हमारे पहले पार्ट की तरफ। तो पहले पार्ट में हमने क्या बताया था कि इन्वर्टिबल फंक्शन उन्हीं फंक्शन को बोलते हैं जो 1:1 और 1:2 दोनों की कंडीशन को क्या करता हो, फॉलो करता हो। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, हमारे पास फंक्शन दे दिया, देखो f इज इक्वल टू है 1, 1, 2, 2, 3, 3। यही है ना फंक्शन। कहने का मतलब एक डोमेन का सेट लेते हैं हम और एक लेते हैं रेंज का सेट। डोमेन के सेट में और रेंज के सेट में इन्होंने देखो क्या एलिमेंट दे रखे हैं, डोमेन के एलिमेंट है 1, 2 और 3, और रेंज के सेट भी कितने हैं, एलिमेंट है 1, 2 और 3। 1 का हमारे पास रिलेट कर दिया 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 3 के 3 के साथ। अब एक बात बताओ, हर एक डिफरेंट डोमेन की हमारे पास क्या मिल रही है, एक डिफरेंट रेंज मिल रही है। कहने का मतलब ये फंक्शन 1:1 तो है, क्योंकि किसी भी दो डोमेन के लिए एक सिंगल रेंज नहीं है, मैनी वन फंक्शन नहीं है ये कैसा फंक्शन है, 1:1। कहने का मतलब ये फंक्शन हमारे पास 1:1 तो है। उसके बाद बात देखते हैं 1:2 की। तो 1:2 के लिए क्या कंडीशन थी, हमने पहले भी बताया था आपको कि हर एक जो हमारे कोडोमेन सेट में एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो 3 की प्री इमेज क्या है हमारे पास, 3। 2 की प्री इमेज क्या है, 2। 1 की प्री इमेज क्या है, 1। कहने का मतलब हर एक कोडोमेन एलिमेंट की, हर एक कोडोमेन सेट के एलिमेंट की हमारे पास क्या है, एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फंक्शन कैसा है, 1:2 भी है। तो जो फंक्शन हमारे पास 1:1 और 1:2 दोनों होता है, उसी को हम नाम देते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, इन्वर्टिबल। अगर ये हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, अब निकालना है इसका इनवर्स। तो अब देखो, जर्नली जब हमारे पास क्या बना रखे हो, ऐसे पेयर बना रखे हो, तो उनका इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं,
उनका इनवर्स निकालते हैं कि डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को क्या बना दो डोमेन, उनकी पोजीशन को क्या कर देते हैं चेंज। कहने का मतलब इस एक को इस साइड ले आएंगे एक एक, इस दो को इस साइड ले आएंगे दो दो, इसको इस साइड ले आएंगे तीन तीन। कहने का मतलब सेम ही हमारे पास एलिमेंट थे तो इसका इनवर्स भी क्या होगा सेम होगा। तो ऐसे फंक्शन जिनका इन्वर्टिबल, जिनका इनवर्स उन्हीं के इक्वल होता है उनको हम नाम देते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जिनका इनवर्स उसी के इक्वल है, क्योंकि ये इंटरचेंज करेंगे तो ये टू टू वैसे ही रह जाएगा। तो हमारा एफ किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स के इक्वल होता है उस केस में जिसमें हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों क्या हो इक्वल हो। तो ये था हमारा पहला पार्ट। कहने का मतलब ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन था और इसका इनवर्स भी हमने क्या कर दिया निकाल दिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, एलिमेंट बदल दिए, कौन से दे दिए एलिमेंट हमारे पास सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट में एलिमेंट है 1, 2, 2, 1 और 3, 1। कहने का मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, तो डोमेन का जो सेट है हमारा उसमें एलिमेंट दे दिए इसने 1, 2 और 3, और जो हमारा रेंज का सेट है अब की बार उसमें एलिमेंट दे दिए इसने कौन कौन से 2, 1, 1, ये दे दिए ना। अब देखो इसने क्या कराया, 1 रिलेट करा दिया 2 के साथ, 1 किसके साथ है 2 के साथ, 2 किसके साथ है 1 के साथ, और 3 किसके साथ है 1 के साथ। कहने का मतलब ये है कि जो ये 2 और 3 है ये दोनों की इमेज क्या दे रखी है इसने 1 नहीं दे रखी है। देखो 2 की इमेज भी 1, 3 की इमेज भी 1। तो अब एक बात बताओ कि किन्हीं भी दो डोमेन की एक सिंगल रेंज मिलती है तो वो कैसा फंक्शन होता है, वो फंक्शन हमारे पास 1, 1 तो नहीं होता, वो फंक्शन कैसा होता है मैनी वन फंक्शन माना जाता है। तो ये हमारा 1, 1 फंक्शन नहीं है, ये हमारा 1, 1 फंक्शन नहीं है। तो जो हमारा 1, 1 फंक्शन ही नहीं है तो वो फंक्शन कैसा है, वो इन्वर्टिबल भी नहीं है, वो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल भी नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता हम उसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारे पास डोमेन रेंज क्या दे दी, देखो इन्होंने क्या कर लेते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखो ये हमारा मान लिया डोमेन का सेट है, ये रेंज का सेट, डोमेन के सेट में दे दिया 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, रेंज का सेट दे दिया 3, 2 और 1, 3, 2, 1, 1 रिलेटेड है 3 के साथ, 3, 2 के साथ, 2, 1 के साथ। देखो अलग अलग है, हर एक डिफरेंट डोमेन की हमारे पास क्या मिल रही है, एक डिफरेंट रेंज मिल रही है, तो हमारा फंक्शन कैसा है 1, 1 फंक्शन है। और हर एक कोडोमेन सेट के एलिमेंट के लिए उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, मतलब 1, 1 भी है और 1, 2 भी है। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड पार्ट था, इसका इनवर्स क्या होगा, इनको इंटरचेंज कर दो। कहने का मतलब 3 पहले 1 बाद में, 2 पहले 3 बाद में, 1 पहले 2 बाद में, तो ये क्या हो जाएगा इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसको बड़ी इजी वे से हमने सोल्व किया। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो अगर सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसा ही है तो वो आपको खुद करना होगा। अब चलेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि किसी भी अगर हमारे पास जर्नल केस दे रखा हो तो उसको हम इन्वर्टिबल कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अभी दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए बी सी डी हमारे क्या दे रखे हैं, एक ए सेट दे रखा है और उसने फंक्शन बना दिया ए टू ए, जिसमें हमारे पास उस फंक्शन में एलिमेंट है ए बी बी डी सी ए डी सी, मतलब हर एक की क्या है अलग अलग डिफरेंट रेंज मिल रही है, तो ये फंक्शन 1, 1 भी होगा और 1, 2 भी होगा। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1.5 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आ गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है कि इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना होगा और उसके बाद ही उसका क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला पार्ट है इसमें एक्स माइनस 7, दूसरा पार्ट है हमारे पास इसमें 1 माइनस 9x, और थर्ड पार्ट दे दिया इसमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, फंक्शन दे दिए। तो अब इन फंक्शनों को क्या करना होगा हमें, ये पहले तो ये प्रूव करना होगा कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, उसके बाद ये प्रूव करना होगा कि इनका इनवर्स क्या है अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट को हम देखो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले ये मान लिया कि ये f(x) के बराबर है,
उसके बाद देखो इस फंक्शन को हमें क्या प्रूव करना होगा, पहले तो 1 1 प्रूव करना होगा, उसके बाद इसको ऑन टू प्रूव करना होगा, तो ये हमारे पास बात बनेगी। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 1 1 प्रूव करते हैं। तो 4 1 1 क्या करते हैं हम, 1 1 के लिए हम लेते हैं x1 और x2 दो एलिमेंट जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे किससे, रियल नंबर से, क्योंकि ये फंक्शन हमारा कहां से चल रहा था, रियल नंबर से। तो 1 1 के केस में हम क्या करते हैं, उनकी इमेज इक्वल लेके चलते हैं और लास्ट में उनको एलिमेंट को क्या प्रूव कर देते हैं, इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो f ऑफ x1 को क्या लेके चलेंगे, इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 कितना होगा, x1 माइनस 7, f ऑफ x2 कितना होगा, x2 माइनस 7, माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू x2, यानी हमारे पास एलिमेंट भी इक्वल आ गए, एलिमेंट इक्वल है तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 1। तो ये फंक्शन हमारे पास प्रूव कर दिया 1 1 तो है। उसके बाद प्रूव करते हैं इसको ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम करते हैं कि f ऑफ x को इक्वल टू प्रूव कर देते, पुट कर देते हैं y के, कर दिया पुट, f ऑफ x को इक्वल टू y पुट किया तो x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो गया, इस 7 को उस साइड ले जाएंगे, y प्लस 7। अब इस x की वैल्यू हम वापिस अपने फंक्शन में पुट करके देखते हैं, और अगर ये वापिस y दे देता है तो हमारे पास ऑन टू प्रूव हो जाता है, ऐसे ही करते थे ना प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो पुट करते हैं, या पुट करेंगे x की जगह क्या पुट होगा, y प्लस 7 माइनस में 7, माइनस 7 से प्लस 7 कैंसिल, क्या बचा y। तो y प्रूव होते ही ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन टू, अकेला y आया तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, इनवर्टिबल, कैसा हो गया, इनवर्टिबल। अब निकालते हैं इसका इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे, फॉर इनवर्स f ऑफ x को ही पुट कर देंगे इक्वल टू y, पुट कर दिया y के इक्वल, तो f ऑफ x था कितना, x माइनस 7 इक्वल टू y, उसी तरह x की वैल्यू निकाली तो क्या आया, y प्लस 7। अब देखो y प्लस 7 आया, मतलब हमने क्या पुट किया था, f ऑफ x को इक्वल टू y पुट किया था ना, अब इस f को उस साइड ले जाते हैं तो यहां बचेगा x, और ये f उस साइड जाएगा तो इनवर्स नहीं बन जाएगा, f इनवर्स y बन जाएगा, मतलब जो इनवर्स होगा इस y का वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, और x किसके इक्वल था, y प्लस 7 के इक्वल। तो f इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरह, y प्लस 7। तो ये होगा इस फंक्शन का इनवर्स, मतलब इस फंक्शन का हमने इनवर्स निकाल दिया, और वो इनवर्स कितना था, वो था हमारे पास y प्लस 7। कैसे निकला इनवर्स, जब हमने फंक्शन को इक्वल टू y पुट कर दिया और y वहां से क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, तो जो x की वैल्यू आई थी ना वही हमारा क्या था, उसका इनवर्स था। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या ये फंक्शन इनवर्टिबल है, अगर है तो फिर इसका निकालेंगे इनवर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको इक्वल टू मान लेते हैं y के, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि f ऑफ x को मान लिए इसके इक्वल, ठीक है, ये फंक्शन हमारा फंक्शन दे रखा है, इसको क्या प्रूव करेंगे, इसको इनवर्टिबल प्रूव करेंगे। तो इनवर्टिबल के लिए पहले क्या मान लिया, ये 1 1 के इक्वल है, मतलब इसको 1 1 प्रूव करते हैं। तो 4 1 1 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे और बाद में एलिमेंट को इक्वल पुट कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 9x2, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 हो गया। आप चेक करते हैं इसको ऑन टू प्रूव। तो ऑन टू कैसे करेंगे, f ऑफ x को इक्वल टू पुट कर देते हैं y के, तो y के इक्वल पुट किया तो 1 माइनस 9x इज इक्वल टू y, यहां से वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की, तो इस 9x को उस साइड ले जाते हैं, y को इस साइड, तो 9x उस साइड गया तो इज इक्वल टू y इस साइड आया, तो 1 माइनस y बचा, 9 को नीचे ले जाते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस y अपॉन 9। अब इस x की वैल्यू को कहां पुट करेंगे फंक्शन में, और देखते हैं अगर y आ जाता है तो ऑन टू भी प्रूव हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या आया, 1 माइनस 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस y अपॉन 9 पुट कर दिया, 9 से 9 कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, और क्या बचा, y बचा, तो ये फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू भी है। तो हमने पुट कर दी, प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 भी और ऑन टू भी, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इनवर्टिबल। और अभी अभी बताया था अगर इनवर्टिबल है तो f इनवर्स y क्या निकलता है, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वही, x की वैल्यू क्या थी ये, तो f इनवर्स भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस y अपॉन 9, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 माइनस y अपॉन 9। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब चलते हैं इसके पार्ट। तो ये एज इट इज होगा बिल्कुल, इसको सोल्व कर लेना आप, ये होमवर्क की तरह है। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कैसा दिया हुआ है। देखो बिल्कुल जो हमारी 1.4 एक्सरसाइज थी उसी की तरह काम चल रहा है ना,
पूरा का पूरा काम हमारा वही चल रहा है जो हमने 1.4 एक्सरसाइज में किया था। मतलब ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज की आपको, क्योंकि पूरा का पूरा काम आप 1.4 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, इसका स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि कंसीडर ए फंक्शन आर टू आर। हमने हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दे दिया आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ हमारा फंक्शन दौड़ रहा है, और इसने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी हमारे पास 4x+3। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू हमारे पास 4x+3। आगे पढ़ो, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ये प्रूव करो कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, और इन्वर्टिबल अगर ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले इसको इन्वर्टिबल ही प्रूव करते हैं। तो इन्वर्टिबल के लिए क्या करेंगे, पहले 1 प्रूव करेंगे, तो 4 1 1 आ जाओ, कहने का मतलब 1 1 प्रूव करो इस फंक्शन को। तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या मानते हैं, x1 और x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो क्या करेंगे, उनकी इमेज को इक्वल लेकर चलते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स वन को इक्वल टू लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स टू के, और आखिर में इस एलिमेंट को भी क्या पुट कर देते हैं, इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वन यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x1+3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4x2+3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बचा x1 इज इक्वल टू x2। मतलब इनके दोनों के एलिमेंट भी इक्वल हैं, एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये फंक्शन कैसा है हमारे पास 1 1। तो हमने प्रूव कर दिया ये फंक्शन 1 1 तो होगा। अब आ जाओ 4 on 2 कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। ओन टू के लिए क्या करते थे, जो हमारा एफ ऑफ एक्स था इक्वल टू वाई पुट कर देते थे, करो इसको वाई पुट तो 4x+3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। यहां से देखो 4x इक्वल टू ये 3 उस साइड गया तो माइनस का 3 हो गया, वाई माइनस 3, ये 4 नीचे चला गया, तो x की वैल्यू क्या आई, वाई माइनस 3/4। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते थे हमारे फंक्शन में, और अगर फंक्शन में पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है वापिस y, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा ओन टू। तो पुट करते हैं फंक्शन में, फंक्शन था क्या 4x+3, तो 4 × x की जगह पुट कर दिया वाई माइनस 3/4 और प्लस का 3, 4 से ये 4 कैंसिल, y माइनस 3 बचा और प्लस का 3, 3 से ये 3 कैंसिल, क्या आया y। अगर y ही आ गया वापिस तो क्या हो गया, ये फंक्शन ओन टू हो गया हमारे पास। तो हमने प्रूव कर दिया ये फंक्शन 1 1 भी है और ओन टू भी है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, hence f is invertible। तो हमारा f क्या प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अब निकालते हैं इसका इनवर्स। तो इनवर्स तो मैंने अभी अभी बताया था, f ऑफ x को इक्वल टू y पुट करके x की वैल्यू निकाल दो, और x की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, क्या थी, y माइनस 3/4। तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो f इनवर्स y हो गया, किसके इक्वल, x के इक्वल, ये उस साइड ले गए तो हमारा x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल। तो इसका इनवर्स कितना हो गया, y माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा इस फंक्शन का इनवर्स। तो हमने निकाल दिया हमारे फंक्शन का इनवर्स भी। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो आपको बड़ी ईजी वे से समझा दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कैसा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल एज इट इज, ऐसे ही सोल्व करेंगे अब सारे क्वेश्चनों को, और देखेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल, और कैसे निकाल सकते हैं उसका इनवर्स। तो अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। ये फंक्शन भी हमारा क्या चल रहा है, आर टू आर चल रहा है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ दौड़ रहा है। अब कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, जिसका नाम है हमारे पास जो दे दिया 2x-1/3 दे दिया, आपको दिख रहा होगा इज 1 1 एंड ओन टू फंक्शन, आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये कह रहा है कि इसको 1 1 और ओन टू प्रूव करो। तो देखो 1 1 और ओन टू प्रूव करने का मतलब क्या है, इसको इन्वर्टिबल प्रूव करो, और इन्वर्टिबल प्रूव करने के बाद इसका क्या निकालो, इनवर्स। तो करते हैं इसको प्रूव ऐसे ही। तो इन्वर्टिबल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 1 प्रूव करेंगे। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेकर चलते हैं रियल नंबर से, जिनकी इमेज हम क्या मान लेते हैं, इक्वल, मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू, मान लिया f ऑफ x2 के, मान लिया, या पुट करते हैं तो क्या आया 2 ऑफ x1-1/3 इज इक्वल टू 2 ऑफ x2-1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल कर देते हैं, -1 से -1 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा x1 इज इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 तो कर दिया। अब इसको क्या प्रूव कर देते हैं, ओन टू और कर दो। तो ओन टू के लिए क्या करेंगे, ओन टू के लिए हम फंक्शन को क्या लेकर चलेंगे, y के इक्वल, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लिया y के, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 2x-1/3 इज इक्वल टू y। पहले इस 3 को उस साइड ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2x-1 ये उस साइड गया तो 3y, -1 को उस साइड ले जाएंगे प्लस का 1,
तो 2x is equal to 3y और plus का 1। अब 2 को नीचे ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y plus 1 divide by 2 आ गई x की वैल्यू। पुट कर दो इसको फंक्शन में, अगर फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है वापिस y तो क्या हो जाएगा, want to prove फंक्शन था क्या 2x minus 1 divide by 3, पुट करो, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into x की जगह पुट कर दिया 3y plus 1 divide by 2 और माइनस का 1 divide by 3, 2 से 2 cancel, क्या बचा 3y plus 1, plus 1 से minus 1 cancel, क्या बचा हमारे पास, ऊपर तो बच गया 3y, नीचे बच गया 3, 3 से 3 cancel, क्या आया y। तो अगर y आ जाता है तो ये फंक्शन कैसा है हमारा, want to 1 1 और want to prove कर दिया। अब निकाल दो इसका इनवर्स, तो इनवर्स अभी अभी बताया था, इनवर्स किसके इक्वल होता है, x के इक्वल, और x की वैल्यू है क्या, ये रही 3y plus 1 divide by 2, तो ये हमारा क्या है इसका इनवर्स होगा, तो ये f इनवर्स y है। अगर f इनवर्स x निकालना हो तो इस y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं। अगर f ऑफ इनवर्स x ने पूछे तो 3x plus 1y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं इसके 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है कि लेट f is such that r minus 1 to r minus 1, एक इसने फंक्शन की डोमेन और रेंज दे दी, क्या कह रहा है, और वो फंक्शन की डोमेन क्या है, इसकी सारे रियल नंबर हैं छोड़ के 1 को, छोड़ के 1 को, और इसकी रेंज भी क्या है, सारे रियल नंबर हैं छोड़ के 1 को, ये कह रहा है। इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, इससे कुछ नहीं है ये, और हमारे पास 6th क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है इसने गिवन f of x is equal to x upon x minus 1, और ये कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि f इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स ही आएगा। क्या प्रूव करना है कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि जो हम सॉरी एफ नहीं एक्स नहीं एफ ऑफ एक्स, मतलब जो हम इनवर्स निकालेंगे इसका किस केस में, एक्स के केस में, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, मतलब इसी के इक्वल आएगा। तो देखते हैं, तो देखो इनवर्स किसका प्रूव करते हैं, सबसे पहले तो इनवर्स तो उसी का निकालते हैं ना जो हमारे पास क्या हो, इन्वर्टिबल हो, और इन्वर्टिबल कौन होता है, जो 1 1 और 1 2 हो, तो सबसे पहले काम वही चलेगा, मतलब इसको 1 1 और 1 2 प्रूव करेंगे। तो चलते हैं इसको 1 1 और 1 2 प्रूव करने, तो क्या हो जाएगा, x1 और x2 दो एलिमेंट मान लिए जो बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर छोड़ के 1 को, जो हमारी डोमेन रेंज उसी से लेते हैं, तो क्या करते हैं f ऑफ x1 को इक्वल टू पुट कर देते हैं f ऑफ x2 के, तो क्या हो जाएगा x1 अपॉन x1 माइनस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 क्या होगा, x2 upon x2 minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, तो कितनी आई, x1 किसके साथ करेंगे, x1 x2 minus x1 is equal to, इसकी इसके साथ करो, x2 किसके साथ करेंगे, x1 x2 minus x2, क्लियर है बात, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्या बचा x1 is equal to x2, तो हमारा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1, तो प्रूव कर दिया हमारे पास ये फंक्शन कैसा है 1 1। अब चलते हैं ऑन टू प्रूव करने, तो ऑन टू के लिए क्या होता है, f ऑफ x को इक्वल टू पुट कर देते हैं y के, करो पुट, f ऑफ x था कितना x अपॉन x माइनस 1, ये इक्वल टू पुट कर दिया y के, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आया x इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस का y, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इस x के टर्म को इस साइड ले आते हैं, तो x पहले था ये इस साइड आया, तो माइनस का वाई एक्स इज इक्वल टू बचा माइनस का y, यहां से x कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस y इज इक्वल टू माइनस y, तो यहां से अगर x निकालूंगा मैं, अब देखो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x निकालूंगा तो ये 1 माइनस y नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 1 माइनस y, अब इस y को नीचे ले आते हैं माइनस को, तो ये कॉमन ले लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ऊपर तो हो गया पॉजिटिव y, और इसको बदल दो मतलब y पॉजिटिव हो जाएगा माइनस बनेगा, तो ये हमारा क्या आ गया x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को अब क्या कहां पुट करेंगे, पुट इन f ऑफ x, f ऑफ x में पुट कर दो, अगर y आ जाता है तो ऑन टू भी प्रूव हो जाएगा, f ऑफ x था कितना ये रहा, पुट करो इसको x x की जगह y अपॉन y माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, x कितना है y अपॉन y माइनस 1 और माइनस में 1, ये था। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो ऊपर तो आया y अपॉन y माइनस 1 डिवाइड बाई एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना हो जाएगा y माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का y और प्लस का 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 से वाई माइनस 1 कैंसिल, पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई कैंसिल, ऊपर बचा वाई और नीचे बचा ये 1, तो क्या आ गया वापिस ही वाई, तो वाई आ गया, तो ये फंक्शन कैसा है ऑन टू है, और अगर ये ऑन टू है तो फंक्शन कैसा हो गया इन्वर्टिबल, हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन कैसा है इन्वर्टिबल है। अब निकालेंगे क्या इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो
हमें पता है कि एफ ऑफ इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, और एक्स की वैल्यू क्या निकाली है अभी अभी, वाई अपॉन वाई माइनस वन, यही निकाली है ना। तो देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू वाई की है, मतलब एफ ऑफ इनवर्स वाई है। अगर हमें क्या निकालना हो, देखो ध्यान से, अब पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर हमें क्या निकालना हो, एफ ऑफ इनवर्स एक्स निकालना हो, मतलब ये एफ ऑफ इनवर्स वाई आ गया किसके इक्वल है, वाई अपॉन वाई माइनस वन की। तो एफ ऑफ एक्स कितना था हमारे पास, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, यही था ना क्वेश्चन। अब अगर हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना हो, मतलब इस वाई की जगह क्या चेंज कर दिया, एक्स, तो यहां भी कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब एक बार देखो, ये एफ इनवर्स एक्स था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल, मतलब जो हमने एफ इनवर्स एक्स निकाला वो किसके इक्वल आया, एफ ऑफ एक्स के। और यही चीज क्या करनी थी हमें, प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव कर दिया हमने रिजल्ट कि एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में, वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, 7th क्वेश्चन भी ऐसा ही, 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही, 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही, और 10th 11th भी ऐसे ही। मतलब जो हमारे 4-5 क्वेश्चन बच गए इस एक्सरसाइज में, वो आपको खुद ट्राई करने होंगे। अगर आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन असफल रह जाते हैं करने में, तो हमारी कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को शुरुआत हुए, हमारी वजह से भी थोड़ी लेट वीडियो आ रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी हमारा नेक्स्ट चैप्टर की आपको वीडियो मिल जाएगी, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जुड़ा हुआ है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें अपनी क्लास के बच्चों तक, ताकि हर बच्चे तक इस वीडियो की नॉलेज पहुंच सके कि इन्वर्टिबल फंक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।